तो गाइस वेलकम बैक माय चैनल अंकिता ब्यूटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ अंकिता। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा सीरम आप यूज़ करें जिससे आपके बाल अगर फ्रिजी से है तो वो स्मूथ हो जाए और थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए। तो गाइस उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस सीरम के बारे में भी बताऊँगी। बट गाइस जो प्रेजेंट टाइम में मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गैस उससे पहले अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए हर रोज़ एक नया नया वीडियो लेके आऊँ। गैस तो मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नहीं हूँ तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं क्योंकि आप लोग की हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो गाइड चलिए हम देखते हैं, ये मेरा है उसका लोरियल का है। गाइस ये मैंने ऑनलाइन हाल ही में मंगाया था, ये लोरियल का है, स्मूथ मतलब स्मूथ इंस्टेंट सीरम है ये। गाइस जिसके बाल मेरे तरीके फ्रीजिंग है मैं तो हमेशा इसको मतलब अप्लाई कर लेती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद 24 आवर्स आपको सीरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस ये बहुत बेस्ट है, इसका रिस्पांस ये बताता है कि कुछ ये आप गीले बालों में भी अप्लाई कर सकते हो, देन आप अपने ड्राई बालों में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं गीले बालों में नहीं अप्लाई करके ड्राई बालों में अप्लाई करना चाहती हूँ। आप मेरा बाल देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ पार्टीशन करके। अगर आप गीले बालों में देखना चाहते हैं तो बताइएगा। ये गाइस मेरा बाल है, अब इसको मैंने दो पार्ट में कर लिया। गाइस मैं इसको क्या करूँगी, पहले मैं इसके बारे में आपको मेरा सॉरी ये बना है जुलाई 2019 का बना, सॉरी क्या बता रही हूँ, ये फरवरी 2019 का बना हुआ है और गाइस ये एक्सपायर होगा जून 2022 में। तो ये आपका 3 साल बाद एक्सपायर होने वाला है। वैसे ये आपका चल जाता है 6-7 महीने आराम से एक ही चल जाता है ये। गाइस मतलब ये बोल रहे हैं कि ये 24 आवर्स प्रोटेक्ट करेगा आपके हेयर को और प्लस जो भी आपकी हेयर है वो मतलब आप इस सीरम को एक बार अप्लाई कर लोगे तो ये 48 आवर्स के लिए आपके बाल में स्ट्रेटनेस मतलब स्ट्रेट रहेगा और सिल्की स्मूथ शाइनिंग बना रहेगा। गाइस तो इसमें आपको आप देख सकते हो, आप ऑनलाइन जाके भी देख लेना, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, मैंने हाल ही में ऑनलाइन मंगाया है ये देखिए। तो गाइस इसकी MRP है 250 है, बट मैंने ऑफर चल रहा था तो आप अगर चाहते इस समय भी अगर आप मंगवाते हैं ये सीरम तो आपको ऑफर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो मैंने जब मंगवाया था तो ये मेरा 160 का था, प्रेजेंट टाइम में भी आई थिंक 161 या 150 ऐसे ही ऑफर है। तो गाइस इससे बेस्ट मुझे कोई और सीरम नहीं लगता क्योंकि मेरे थोड़े बाल वो वैसे है ना मोटे हैं तो मेरे लिए ये मेरे हेयर के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है, मैं आप लोग के सामने ओपन कर रही हूँ, मैं एक लगा के फेंक चुकी हूँ, ये देखिए ऐसे आता है। कैमरा थोड़ा कैच नहीं कर पा रहा गाइस लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। ये गाइस स्मूथ इंटेंस और इंस्टेंट स्मूथ सीरम है ये आपका, इसमें ऑर्गन ऑयल है विथ ऑर्गन ऑयल के साथ। ऑर्गन ऑयल तो आप जानते हो हमारे हेयर के लिए कितना बेस्ट होता है। और गाइस ये अनमैनेजेबल ड्राई हेयर के लिए बहुत बेस्ट है। तो गाइस इस पे पीछे भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और ये 100 ml का आता है, ये 100 ml का आता है, आई थिंक 250 का है, तो अगर हमें 150 का मिला है तो काफ़ी बेस्ट है। तो इसको हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं गाइस, इसको लेना है अपने हाथ में, अपने हेयर के अकॉर्डिंग लीजिए। अब इसको रख दीजिए अपने हैंड में, इतना रख दीजिए कि ये हथेली गर्म हो जाए। सॉरी थोड़ी बाहर से आवाज़ें आ रही है उसके लिए इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ये देखिए ये मैंने कर लिया, मैं इधर सिर्फ आपको लगा करके दिखा रही हूँ। याद रहे कि आप जब भी सीरम अप्लाई करते हो ना आप हेड में ना लगाओ, आप अपने हेयर के लेंथ में ही लगाओ। गाइस मैं सिर्फ एक साइड आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। गाइस मैंने अभी तक जितना भी सीरम यूज़ किया है ना उसमें सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट सीरम ये लोरियल का हो गया है।
क्योंकि अगर मेरे तरह अगर आपके भी फ्रीजी वाले ना गैस तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं तो बहुत केयर करती रहती हूँ। आपको ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करके आपको अप्लाई करना होता है। गैस मैं अब मल्टीप्लिकेशन करते हुए मैंने एक साइड में अपने हेयर सीरम यूज़ किया है और एक साइड आप देख सकते हैं यूज़ करने के बाद कितना बाल स्मूथ और शाइनी लग रहा है। और नीचे के बाल में भी लगाएंगे क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं ना वो नीचे ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो गैस अब मैं दूसरे तरफ लगाऊंगी, पहले पाम में लेके इसे अच्छे से मतलब रफ़ कर लूँगी ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, फिर देन मैं अप्लाई करूँगी सीरम। तो गैस इससे क्या होता है कि अच्छे से पोज में लग जाता है एक एक बाल में और आपके बाल फिर सिल्की शाइनिंग और स्मूथ बना रहता है। ये गैस सीरम अप्लाई करने के बाद 48 आवर्स मतलब 48 घंटे आपके बाल को प्रोटेक्ट करेगा, आपके बाल शाइनिंग स्मूथ सिल्की बने रहेंगे। गैस तो मैंने आज तक जितने सीरम यूज़ किए उसमें से ये मेरा बेस्ट सीरम है। तो गैस मैंने सोचा आप लोग के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ क्योंकि काफ़ी गर्ल्स होती हैं जिनके बाल फ्रीजी होते हैं। अब गैस ये देखिए मैं मोटे दांत वाले कॉम्ब से मैं कॉम कर रही हूँ, इसे बाल देखिए मेरे कितने अच्छे से सुलझ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कॉम निकल जा रहे हैं। अब देखिए इसे बाल भी मेरे नहीं झड़ रहे हैं। सीरम लगाने का मतलब यही होता है ना कि आप जब कॉम करो ना तो सिल्की आपके बाल हो जाए और जब आप कॉम करो तो आपके बाल टूटे ना, तो हेयर फॉल नहीं होते। तो गाइज अगर आपके भी मेरे इतने लंबे बाल हैं तो आपको केयर तो करना चाहिए, आप मेरे जैसे बाल हैं तो ये वाला सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज उससे आपके बाल शाइनी स्मूथ और नेचुरल लगेंगे। का मैं हेयर सीरम अप्लाई नहीं की थी तो मेरे हेयर कैसे दिख रहे थे, और प्रेजेंट टाइम में मैंने सीरम अप्लाई कर लिया तो मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इतना बाल सूख जाता ना। ये देखिए आप ऐसे फिंगर डालते हो ना तो इजिली फिंगर निकल जाता है आपका, मतलब फंसता नहीं है। आप चाहते इधर भी देख लो गाइस, रियली में ये बहुत बेस्ट है। मैं यूज कर रही हूँ तो काफी गर्ल्स मेरी तरह हैं जो परेशान है, उनके बाल फ्रीजी हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं जो सीरम यूज करती हूँ वो आप लोग के लिए शेयर करूँ क्योंकि काफी गर्ल्स होती है इसके बारे में नहीं जानती कि वो कौन सा सीरम यूज करे जो उनके हेयर के लिए अच्छा हो। ये गाइस अगर आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रखा है तो भी ये सीरम आप यूज कर सकते हैं, या आप ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं तो भी ये सीरम यूज कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई फ्रीजी हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, कम पैसे में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, प्लस आपका 100 ml है। तो गाइस मैं तो कहूँगी अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, ये रियली टू मच है, इसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है गाइस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बाल तो थोड़े कर्ली हैं, थोड़े क्या बहुत कर्ली है, बट इसको लगाने के बाद इतने बाल सिल्की, और आप अंदर के बाल देख सकते हैं लगाने के बाद इतने सिल्की स्मूथ हो जाते हैं गाइस कि पूछिए नहीं। तो गाइस अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए डेली एक नया वीडियो लेके आऊँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।